अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ड्रामा सीरियल महरूम में आप देखें कि अमेर ख़ुद तो ज़ायरा पर पाबंदियां लगा रहा है और ख़ुद जोया के साथ घूम रहा है। कितना फ्री होकर हाथों में हाथ डालकर घूम फिर रहा है। हर बात का इल्ज़ाम वो ज़ायरा को देता है कि तुम मेरे साथ सिंसेयर नहीं हो, लेकिन ख़ुद जो कर रहा है वो क्या है। उधर साद के घर नावीन की वालदा आती हैं और कहती हैं कि वो सबूत इकट्ठे कर रही हैं अमेर के वालद के ख़िलाफ़। वो तमाम सबूत लेकर अमेर के पास जाएंगी ताकि अमीर जहाद को बेनकाब कर सकें। जब साद की वालदा ज़ायरा के पास मिलने आती हैं तो ज़ायरा को सब कुछ बताती हैं तो ज़ायरा हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे मुस्तकबिल में मज़ीद किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। उधर ज़ोया भी ज़ायरा को घर से निकालना चाहती है। वो ज़ायरा को धमकी देती है कि अब घर से बाहर मैं नहीं तुम निकलने वाली हो। वो ज़ायरा को परेशान करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। खाने की टेबल पर जब सब घर वाले इकट्ठे होते हैं तो ज़ोया ज़ायरा से पूछती है कि आज तुम्हें साद की वालदा मिलने आई थी, खैरियत तो है। अमेर जब देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो ज़ायरा को घसीट कर कमरे में ले जाता है। वो अपनी माँ को माँ ही नहीं समझता, अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करता है क्योंकि वो ज़ायरा की साइड लेती हैं। वो अपने बेटे को बता भी नहीं सकती कि उनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। अमीर जाहिद ने अपने बेटे की नज़रों में अपनी बीवी को बदकरदार बना दिया है तो वो अब किसी भी औरत पर भरोसा नहीं करता। अब वो ज़ायरा को टॉर्चर करता है, कहता है कि मैं कोस रहा हूँ उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। ज़ायरा बहुत परेशान है, अब उसे पता चल चुका है कि अब वो अपने रिश्ते खोती जा रही है। तो नाज़रीन, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।